Alright guys, 20 kgs of ice baby, this is cold. So guys, अभी लिया मैंने 8 मिनट आइस बाथ एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड नाउ. आई फील लाइक अभी ये भाई इसकी आदत पड़ गई है मुझे, जो कि नहीं होनी थी. एंड मैंने कभी नहीं अपनी लाइफ में कोल्ड शावर नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया. बट 2024 आई स्टार्ट टेकिंग आइस बाथ्स एवरी सिंगल डे और आई गो टू सम रिवर और मैं वहाँ जाके घुसता हूँ. तो मुझे लगता है एज अ पर्सन मैं बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ मेंटली, फिजिकली, यू नो देयर आर नो लिमिट्स, आई एम ब्रेकिंग माई ओन लिमिट्स. तो गाइज आप लोग भी प्लीज़ यार अपनी लिमिट्स तोड़िए अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलिए और आपको सही में बहुत मज़ा आने लग जाएगा यार. मुझे तो आने लग गया तो और बॉडी में अंतर भी देखने लग गया भाई. ये है एक बॉक्स आइस, ये है दूसरी बॉक्स आइस, ये 10 किलो है, ये भी 10 किलो है. सो बेसिकली सब लोग कहते रहते हैं कि इन्फ्लुएंसिंग बहुत ईजी है और यू नो मतलब कंटेंट ही तो बनाना है, आप ऐश कर सकते हो, ये है वो है. आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी मैं आइस पकड़ रहा था और आप मेरे बॉडी देख सकते हैं पूरी लाल हो चुकी है अभी, बस एक थंबनेल लेने के लिए बेसिकली, क्योंकि इंस्टाग्राम इज़ वेरी शॉर्ट कॉन्टेंट. तो शॉर्ट कॉन्टेंट में आपको बिल्कुल टाइम स्पेंड पकड़ने के लिए, किसकी भी अटेंशन पकड़ने के लिए एकदम ऐसी चीज़ करनी पड़ती है विद इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स की बंदा बोले वाओ व्हाट इज़ दिस, ठीक है. एंड सबको लगता है ये बात कि ईजी है, कोई भी कर लेगा, है ना, छोटी सी इंस्टाग्राम रील है, पर इसमें पूरा दिन दिन लग जाता है, बहुत पैसे भी लगते हैं, एफर्ट भी लगता है, एडिटिंग भी लगती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती हैं. आज बेसिकली हम लोग एक ब्रांड के लिए भी शूट कर रहे हैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ दैट हम लोग अभी 20 किलो आइस यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इट्स द 20th डे ऑफ 75 हार्ड एंड मैं कुछ भी चीज़ ऐसी ईजी नहीं करना चाहता हूँ कि मैं बोलूँ कि चलो बस मैंने कर लिया है 75 हार्ड चैलेंज बनाना था. आई वॉन्ट रियली मेक इट हाफ फॉर मी, बिकॉज जैसे जैसे आइस इंक्रीज होते रहते हैं इट्स डिफिकल्ट टू सिट इन द वाटर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट 2-3-5 मिनट्स, जितना ही बैठ सको 10 मिनट्स ब्रेन फ्रीज हो जाता है. सो इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू एक्चुअली मेक कॉन्टेंट एंड टू एंटरटेन यू गाइज, बट वी आर आउट हियर यू नो डूइंग अवर थिंग बिकॉज इट्स 75 हार्ड. हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं कि बस नॉर्मली जो मन करे कर लें. एंड अभी देहरादून में हो रहा है 8 डिग्रीज एंड यस इट्स गोइंग टू बी डे 20. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते तो डू फॉलो मी देयर एंड यस गाइस एंजॉय द प्रोसेस. इसके बाद मैं आपको अपना दिन दिखाऊंगा और क्या क्या हम शूट करते हैं एंड हाउ वी मेक द रील्स. यस हाय गाइस, सो बेसिकली दिस इज 20 किलोस ऑफ आइस और मेरी बॉडी बिल्कुल लाल पड़ चुकी है, उठाते उठाते बहुत भारी है यार ये. हम बस थंबनेल के लिए ले रहे हैं. तो बेसिकली सब लोग कहते रहते हैं कि इट्स वेरी इजी टू मेक कॉन्टेंट एंड ऑल, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार. मेरे हाथ एकदम सुन पड़ चुकी है, बॉडी लाल पड़ चुकी है. अभी 20 kg आइस डालने मुझे आइस बकेट में और मैं बैठने वाला हूँ 10 मिनट के लिए वहाँ पे. सो अगर कोई भी कहता है कि बहुत ईजी कॉन्टेंट बनाना है ये वो, नहीं ब्रो, इंस्टाग्राम के लिए कॉन्टेंट बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट भी नहीं कहूँगा मैं, बट इट शुड भी एंटरटेनिंग, क्योंकि एक इंसान पहले 3 सेकंड्स में डिसाइड कर लेता है कि उसको कॉन्टेंट पूरा देखना है कि नहीं देखना है. यू गॉट अ गैप अटेंशन, इफ यू हैव अटेंशन यू हैव मनी ब्रो. So yeah, we're just doing our job, doing our work, enjoying the process. It's amazing. 10 kg. This is another 10 kg. Total is 20 kg. And guys, so we're going to do the 75 hard. And I want the 75 hard challenge to be like hard, hard. Isliye, ice. All right. See you guys. 20 kgs of ice, baby. This is cold. January, bro, it is the month of January and we should go crazy, man. But sab kuch mind mein, guys. It's all in the mind. You know, I do this every single day. Roz karta hoon main. Roz ice bath. January ki thand mein. Main cold shower tak nahi leta tha. But mujhe feel hona band ho gaya. Maza aane lag gaya. Body mein na aisa itch aata hai, kaatti hai bhai. Aur iske baad jo dopamine aata hai, rush. Ultimate. Warrior feeling. And sahi bolo to ye baat hai ki who's doing it? Aapka mind kitna tough hai. यहाँ पे होती है मेंटालिटी टेस्ट. पानी में बैठना, कोल्ड शावर, इजी. आइस में बैठो 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट. दिस इज टफ. टफ भी नहीं, बट दिस इज समथिंग लाइक यू डोंट वांट टू डू एंड इफ यू डू इट, सोचो आपका माइंडसेट कितना पावरफुल हो गया. क्रेजी. 10 मिनट आइस बाथ लिया है, पूरी बॉडी लाल पड़ गई है अभी, बट डोपामिन क्या किक आया है ब्रो. आप देखेंगे मसल्स पंप खुद ही हो चुके हैं. अल्टीमेट भाई, मजा आ चुका है. डेली करता हूँ ब्रो, क्रेजी पंप ब्रो. जनवरी का महीना है,
एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज द बेस्ट ईयर फॉर मी पर्सनली बिकॉज मैं अपने आप को बहुत चैलेंज कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट इन टर्म्स ऑफ आइस बाथ वर्कआउट्स आई एम वेरी डिसिप्लिन इस साल कुछ ज़्यादा ही ब्रो और ठंड सिर्फ दिमाग में है सम डे आई प्लान टू यू नो एक्चुअली गो इन अ लेक मे बी अ फ्रोजन लेक एंड देन गो फॉर अ डिप देयर दैट विल बी मे बी चैलेंजिंग आई थिंक बट आपको जो भी करना है आप करो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ओ इससे क्या होगा ये वो सब आपकी माइंड के अंदर है बिकॉज माइंड इज ऑल्सो मसल ओके सो यू हैव टू ट्रेन इट एंड आई एम टेकिंग आइस बाथ्स एवरी डे और मुझे मज़ा आने लगा यार What's up? पता नहीं कौन खड़ा है भाई तू तो एंड हो गया और ज्यादा अरे ब्रो तो आपसे ही सीख रहे हैं ब्रो हम भाई एंड हो गया सिस्टम भाई आपको भी एंड कर देंगे सिस्टम गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू आवर चैनल और क्या ब्रो भाई कह रही भाई व्लॉग भी बनाते हैं ये भाई ये अभी ना 75 वार्ड में फोकस कर रहा है हार्ड ही बोलते हैं ना yeah, bro. तो उसके बाद जब वो हो जाएगा 75 हार्ड फिर भाई कह रहा मैं 365 डे चैलेंज लूंगा व्लॉग का है ना हां साहिब भाई आ चुके हैं जिम तो सब आपसे मिलता हूँ मैं इंटर शॉट ले लूँ माइक इधर है भाई इधर है माइक इधर है माइक इधर है अरे चल भाई आ जाओ आ जाओ चेस्ट कर रहा हूँ नहीं नहीं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ क्या कर रहे हो आप हम चेस्ट कर रहे हैं आ जाओ सो अभी हम जा रहे हैं जिम के अंदर आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट मैं आपको अपना चेस्ट वर्कआउट दिखाने वाला हूँ वैसे मैं ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ बट लेट्स कम एंड ट्रेन लेट्स गो तो बेसिकली मैं भाई साहिब भाई हो गए जरूर तो बेसिकली गाइज मैं ना अपने पहले एक्सरसाइज में ब्लास्ट करने की कोशिश करता हूँ चेस्ट को क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपना पहला एक्सरसाइज बेस्ट करो उसका पंप इतना ज़्यादा आना चाहिए कि दूसरी वाला एक्सरसाइज आप ढंग से कर ही ना पाओ सो इफ़ यू डू दैट वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा आपकी किसी भी एक्सरसाइज के लिए जैसे बैक के दिन आप डेडलिफ्ट कर सकते हो डेडलिफ्ट में ब्लास्ट कर दो बाकी एक्सरसाइज फिर बोनस की तरह हो जाती हैं सो दैट्स हाउ आई ग्रो माई मसल्स सो ये सीक्रेट टिप है कि जो पहली एक्सरसाइज है उसको सबसे इम्पोर्टेंटली आप करो अपने मसल्स बनाओ दिस इज़ बेसिकली 100 kg 40-40 और स्मिथ मशीन में थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि इससे थोड़ी हेल्प मिलती है पर वेट तो वेट होता है चलो लेट्स गो आई डू लाइक 6 to 8 सेट्स ऑफ दिस वन एक्सरसाइज सो बेसिकली अगर आप इंक्लाइंड बेंच प्रेस इंक्लाइंड स्मिथ मशीन बेंच प्रेस पे आप अपना वेट बढ़ा लोगे कि आप इंक्रीज़ कर पाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली फ्लैट बेंच प्रेस पे आप वेट ज़्यादा मार सकते हो सो इंक्लाइन हमारी सबकी वीक होती है और डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है इसलिए इंक्लाइन पे ज़्यादा फोकस करो हाँ जी छोड़ दो जी भाई छोड़ दो सो गाइज बेसिकली आई टेक पैक देख फ्लाई
because for my inner chest, I feel this is one of the best exercises to do out there. इसके बाद मैं cable crossover करता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा benefits होता है मेरे लिए personally for this inner striations. अगर आपको अच्छी chest चाहिए तो आपको muscle हर तरीके से hit करना होगा, जैसे आप कर सकते हैं upper chest के लिए incline, inner chest के लिए cable crossover, pec deck flies. And yes, lower chest killer dips. So this is my body condition right now after the pump, after the workout. Workout was amazing. थोड़ी posing दिखाता हूँ मैं आपको और आप बताना comments में कि आपको कैसी लगी मेरी posing और body condition कैसी लग रही है आपको. Side chest and some abs. I'm just trying to gain some more muscle as much as possible. I want my size to grow or bade, thoda aur lean dikhun. Because I feel very nice and now I want to see ki main naturally mera body potential kya hai. Because I feel abhi I'm just at like 60% of my body potential. So train karte rahiye, aap log bhi. Alright guys, तो अभी मैं घर आ चुका हूँ और वर्कआउट के बाद सबसे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करता हूँ, वो है अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेता हूँ मैं. अपने पोस्ट वर्कआउट मील में मैं लेता हूँ अफ्तार के 2 स्कूप वे प्रोटीन. सो बेसिकली आई लव दिस प्रोटीन मोर देन दिस वन टू बी ऑनेस्ट. इसका रीज़न है क्योंकि ये ज़्यादा टेस्टी है, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड ऑफ ऑल मैं लेता हूँ दिन के 2 स्कूप प्रोटीन. सो बेसिकली 2 स्कूप प्रोटीन अप्रॉक्सीमेटली मुझे उसमें 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, दैट इज़ अ लॉट. एंड ऐसा मेरा मानना है अगर आपका 100 ग्राम प्रोटीन इनटेक है दिन का तो अल्टीमेट, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता नीडेड होता है. मतलब अगर आपको बॉडी बहुत ज़्यादा बनानी है तब नीडेड है मतलब, पर अगर 100 ग्राम है तो अल्टीमेट बहुत सही कर रहे हो आप. सेकेंड ऑफ ऑल हमारी इंडियन डाइट्स में बहुत कम होता है ब्रो प्रोटीन, सो इट्स अ मस्ट आई वुड से. एंड ये है मेरा फेवरेट फ्लेवर गाइस, चॉकलेट हेजलनट. थैंक यू टीम अफ्तार फॉर सेंडिंग मी दिस, आई लव इट. मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा एनी टाइम आँख बंद करके अगर आपको ये फ्लेवर ट्राई करना है, चॉकलेट हेजलनट इज द बेस्ट फ्लेवर. एक स्कूप, 2 स्कूप. सो गाइज बेसिकली अफ्तार इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन राइट नाउ इन इंडिया. इसके हर स्कूप में मुझे 29 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है एंड प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी. मैं मानता हूँ अगर आप जिम जाते हो नहीं जाते हो प्रोटीन आपको तभी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन डाइट्स में बहुत कम होता है प्रोटीन. एंड आई टेक 2 स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन एवरी सिंगल डे आफ्टर माई वर्कआउट. कभी कभी मैं इसको दही में डाल के भी खाता हूँ, इट्स ऑल्सो वेरी टेस्टी इवन इन ओट्स. सो मैं बोलूँगा अगर आपको बॉडी बनानी है, बॉडी भी नहीं यार, मैं आपको बोलूँगा कि यू नो गाइज यू शुड रियली इन्वेस्ट इन योर बॉडी, बिकॉज इफ यू हैव अ गुड बॉडी यू हैव अ ग्रेट माइंड एंड इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ. सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अफ्तार इंडिया के लिए जाएं. यू कैन यूज़ माई कोड Gary30 फॉर एडिशनल डिस्काउंट. सो लोग बोलते हैं कि भाई प्रोटीन पे इतना खर्चा क्यों करते हो, इज़ इट सेफ? यस इट इज़ सेफ एंड प्रोटीन पे मैं खर्चा नहीं करता, आई इन्वेस्ट बिकॉज दिस इज़ माई बॉडी. मेरा माइंड बहुत शार्प चलेगा इसलिए मैं आई फील वेरी गुड. अगर मैं बढ़िया फील करूँगा तो मैं पूरे दिन वर्कआउट कर सकता हूँ, अपना काम कर सकता हूँ, मेरा माइंड एकदम सही रहेगा, मुझे बिल्कुल डिप्रेशन नहीं होगा, मुझे भी एंग्जाइटी नहीं होगी, बैड थॉट्स नहीं आएंगे. बट वो तभी हो पाएगा जब मेरी डाइट अच्छी हो. तो गाइज़ अगर आपको लगता है कि प्रोटीन इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, नो इट इज़ इन्वेस्टिंग. अगर आप कभी महंगी गाड़ी लेते हो BMW, Lamborghini, anything, आप लोग उसमें बढ़िया पेट्रोल ही डालोगे, सिंपल बात है. आप कोई भी उसमें चीप पेट्रोल नहीं डालोगे, राइट? तो विद दैट सेड आई एम गोइंग टू एंजॉय माय प्रोटीन. चीयर्स गाइज. ओए हो, मजा आया इसको पी के यार. रात के 2 बज रहे हैं गाइस, अभी हमने रनिंग स्टार्ट करी है
मतलब थोड़ी देर हो गई है अभी नहीं। Keep pushing. Hi guys. अभी हम लोग आए हुए हैं वॉक पे। हम अपने 12,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कैमरा की लो लाइट बहुत अच्छी है, इसलिए आप मुझे देख पा रहे हो। और यहाँ पे अभी सोसाइटी में पूरे सड़क पे हर जगह लाइट चली गई है। उन पे शायद इन्वर्टर होगा इसलिए उनकी लाइट जल रही है। बट या अभी हम अपने स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं एंड माय फ्रेंड माय डियर फ्रेंड राज हुसैन इज अकंपनिंग मी। अभी बज रहे रात के 2, बट माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग हो रखा है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ब्रो। क्या टाइम है जो भी है, हमें हमारे काम से मतलब है भाई। सिंपल बात है, जो करना है करना है। अब चलेंगे 12,000 स्टेप्स, घूमेंगे पूरा देहरादून, उसके घर पहुंचेंगे, रात को सो जाएंगे भाई थक तो क्या मस्त एकदम। आपको अचीव करने के लिए गाइस सैक्रिफाइसेस लगते हैं, सैक्रिफाइस करना बहुत ज़रूरी है यार। और आपको पता है, मुझे लगता है सक्सेस ना ऐसी चीज़ है जो भाई जो डेयरिंग होते हैं ना उनको मिलती है। अगर आप सोचो कि भाई अभी टाइम नहीं हो रहा है, घर वाले निकलने नहीं देते ये वो, तो फिर सक्सेस कैसे आएगी? क्योंकि आपने तो भाई अपनी ड्रीम्स पर टाइमिंग लगा दिया, फिर आप बोल रहे हो ब्रो इतना ही सक्सेस आती है, इतना ही पैसा आता है। हाँ, क्योंकि ब्रो अगर आपको सक्सेस ज़्यादा चाहिए तो आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम कम देखना पड़ेगा। टाइम देखना ही नहीं पड़ेगा यार जब तक काम ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आपको एक्सेप्शनल रात क्या कहते हो, एक्सेप्शनल रिजल्ट्स के लिए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हाँ, तो बेसिकली आपको अगर एक्सेप्शनल रिजल्ट्स चाहिए तो आपको एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी, और वर्क एथिक भी देना पड़ेगा। वर्क एथिक भी बहुत तगड़ा होना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि किसी भी इंसान को अगर ग्रो करना है तो उसके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए। कोई भी इंसान मुझे नहीं लगता ऐसा मतलब भाई सक्सेसफुल हो गया होगा बिना एक्सपीरियंसेस के। जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ भाई, उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है अपनी लाइफ में, उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे होते हैं जो उनको नहीं पसंद, पर उनको करना पड़ा यू नो इन ऑर्डर टू रीच द नेक्स्ट लेवल, एंड टुडे दे आर मटेरियलिस्टिकली सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। और जो भाई डर के रह जाते हैं बस, फिर घर पे ही रहते हैं, कुछ भी नहीं होता फिर आगे, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, कोई स्टोरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ प्रेशर भी नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये सब चीज़ें इन लाइफ, ये सब चीज़ें रात को ही रियलाइज़ होती हैं ब्रो, एकदम दिल से आती हैं बातें, है ना। और सच बोल दो यार ये कैमरा बड़ा भारी है। हाँ, आप लोग को कैमरा दिखाता हूँ मैं आराम से घर जाके। वैसे तो क्या है कैमरा एक नंबर, आप लोग की दुआ की वजह से, आप लोग की सपोर्ट की वजह से मैं कैमरा ले पाया हूँ, देख रहे हो ना आप, एक नंबर। अब ये सोसाइटी में थोड़ी लाइट जली हुई है इसलिए लाइट आ गई है। चलिए मैं आपको घर जाके अपना कैमरा दिखाता हूँ। हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो अभी मैं घर आ गया हूँ और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको मेरा नया कैमरा। सो दिस इज माई न्यू कैमरा, दिस इज द सोनी A7IV विद सिग्मा 1.4 35mm लेंस। सो बेसिकली सारी जितनी भी रील्स हैं आप मेरे 75 Hz देखते हो, सब कुछ इसी से शूट होता है, मोस्ट ऑफ इट इसी से शूट होता है। एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकता हूँ बेस्ट देता हूँ, वेदर इट्स कॉन्टेंट, वेदर इट्स बॉडी बिल्डिंग, वेदर इट्स एनीथिंग, वेदर इट्स एंटरटेनमेंट, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट कर सकूँ जितना मैं कर सकूँ। और मैंने एक माइक भी लिया है बाय द वे, सो दिस इज DJI का माइक, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट माइक आउट देयर फॉर द साउंड क्वालिटी, एंड इट्स एकदम क्वालिटी मुशी मुशी टॉप नॉच हो जाती है। आई हैव अ मैकबुक प्रो एज वेल, तो मेरा काम एकदम फास्ट हो जाता है यहाँ से, एयर ड्रॉप पुफ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, आपको काम एकदम करने के लिए धैर्य पड़ेगा। अगर आप 10 काम कर सकते हो 10 काम करो यार, 2 काम मत करो। एंड ऐसा मुझे लगता है कि मुझे सच बोलूँ तो इतना ज़्यादा ये ना कैमरा चलाना आता नहीं है, मतलब मुझे ठीक ठाक आता है, ऑटो पे आता है, थोड़ी बहुत चीज़ें पता है मुझे कि हाँ मैं अपने फ्रेंड से पूछ लेता हूँ, मेरे फ्रेंड बहुत नॉलेजेबल हैं कैमरा को लेके एडिटिंग को लेके, वो थोड़ा बहुत मुझे गाइड कर देते हैं। बट ये है कि आप अपना जो बेस्ट कर सकते हो ना आप करो, तो आप भी मेरी तरह मतलब बाद में इन फ्यूचर अगर आप मेहनत करते रहो ये चीज़ें कर पाओगे। बचपन में मैं चाहता था यार मैं आईफोन ले सकूँ, मैं कैमरा ले सकूँ, मैकबुक ले सकूँ, ये सब मेरे पास मेरे कुछ भी नहीं था। एंड आज की डेट पे मैं ये सब अपने दम पे अपने पैसों पे
आप लोगों के सपोर्ट से, अपनी मेहनत से मैं ये सब कर पा रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे दिल को बड़ी खुशी होती है यार। ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा करें, अब और ज़्यादा करना चाहता हूँ, और ज़्यादा करना चाहता हूँ, एंड लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ कि यू नो इट्स ऑल पॉसिबल, इट्स ऑल इन द माइंड। तो अगर आप मेहनत करते रहो लगन से तो आप लोग भी अचीव कर ही सकते हो यार। और हम जैसे ना बचपन में ड्रीम्स देखते हैं, वहाँ जाएंगे, ऐसा दिखेंगे, वो खाएंगे, ऐसे लोगों से दोस्ती करेंगे, भाई सब कुछ पॉसिबल है इन लाइफ। मैं ये मानने लग गया हूँ मैं बहुत पहले से ही मानता हूँ, सच बोलूँ तो। टू बी ऑनेस्ट मैं ये वीडियोस अभी से नहीं बना रहा, मैंने 2014-2015 में स्टार्ट कर दी थी ब्लॉग्स बनाना, जबकि आज के दिन वो देखता हूँ तो बहुत हंसता हूँ कि यार ये कैसी ब्लॉग्स बना रहा हूँ मैं, कैसा दिखता था मैं, कैसी बातें करता था मैं। बट ये है कि मैं ये मानता हूँ वो 2014 वाले हो, थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ सॉरी ओके, बट ये मानता हूँ कि वो 2014 वाला जो गैरी था है ना, उसने एक सपना देखा, एंड दैट इज़ वाई आज के दिन 2024 वाला गैरी ये सब कर पा रहा है। 10 साल लग गया है मुझे ये सब जितना भी थोड़ा बहुत करने में, जितना भी कॉन्टेंट क्रिएशन में आज के दिन कर पाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा इंस्पायर कर पाता हूँ एंड एंटरटेन कर पाता हूँ, अपनी बाकी चीज़ें कर पाता हूँ, एंड वी स्टिल ऑन द राइज, वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, इट्स जस्ट द स्टार्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मैंने अपना कुछ पोटेंशियल दिखाया भी नहीं है मार्केट में, जो मैं सोचता हूँ मेरा विजन अलग चलता है यार। बट ये है कि हाँ, 10 साल पहले वाले गैरी ने भाई एक विजन करा कि भाई रियलिटी शोज करूँगा, भाई कैमराज दूंगा ब्रो, वीडियोज बनाऊंगा, यू नो आई शेयर माई लाइफ ऑन द इंटरनेट एंड आई अर्न मनी फ्रॉम देयर, आई हैव न्यू एक्सपीरियंसिस, आई हैव ग्रेट फ्रेंड्स अराउंड मी, मेरा सर्कल बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत लोगों से सीखा हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी लाइफ में जो जो मेरे पास हैं चीज़ें, और जिन लोगों से मैं इतना सीख पाता हूँ, क्योंकि भाई जो आपके बड़े भाई लोग हैं ना, वो आपको गाइड करने चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको बड़े भाई लोगों से गाइडेंस मिले, अपने फ्रेंड्स लोगों से बहुत बढ़िया सर्कल मिले ना, तो उससे मतलब इट्स वेरी इजी टू विन देन। अब आप बोलोगे विनिंग कैसे, मतलब तो विनिंग ब्रो ऐसा नहीं होता कि आप पैसे वाले अमीर हो गए ब्रो, विनिंग बहुत चीज़ होती है, आपकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए राइट, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए आपकी, आपका माइंड सही होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्या पता आपका पैसा ऊपर आप माइंड से खुश नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं ब्रो। आपका रिलेशंस, आपके फैमिली वो ब्रदरहुड में बहुत बढ़िया होने चाहिए, यू शुड बी अपलिफ्टिंग, यू शुड बी देयर फॉर वन अनदर है ना। तो ये सब हर जगह एस्पेक्ट्स को सही से सही लेते हुए हम बस लगे पड़े हैं गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट गाइज। तो यही आपको मुझे चीज़ें दिखानी थी, अगर आपको कोई भी सवाल होगा या कुछ भी होगा फिटनेस से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, यू गाइस कैन ऑलवेज कमेंट, मैं जब भी फ्री होता हूँ गाइस आई ऑलवेज रीड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गाइस शो मी, मैं से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, और ज़्यादा मैं भाई इमोशनल होना नहीं चाहता है, अभी रात हो गई है, अभी 2:30 बज रहे हैं और अभी भी देखो काम करने में बैठा हुआ हूँ, एंड ये मेरा एक टॉय कैरेक्टर ही मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करा है, सो वन ऑफ द बेस्ट गाइस दैट आई फॉलो बचपन से। एंड इस चीज़ के साथ हम आज के ब्लॉग को एंड करते हैं गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, आई विल सी यू गाइज सून। इफ यू गाइज आर फॉलोइंग माई 75 हार्ड ऑन इंस्टाग्राम यू कैन, अगर मैं आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर कर पाया, थोड़ा सा भी मोटिवेट कर पाया, सो वेलकम। और दुआओं में याद रखना गाइज, दांत को साफ रखना, मेरे तो थोड़े पीले हैं बट दैट इज़ ओके, एक दिन वाइट जरूर होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी, गुड नाइट, सी यू गाइज।